जा रही है। पहले 4,500 अंक, 5,000 नीचे सेंसेक्स, भारी गिरावट। हालांकि टॉप पिछले महीने ही ऊंचाइयों को, रिकॉर्ड ऊंचाइयों को सेंसेक्स ने छुआ था। एग्जिट पोल के बाद भी सेंसेक्स ने उछाल भरी थी, लेकिन अब देखिए सेंसेक्स में 5,000 अंकों की गिरावट। और ये देखिए इंडिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए गठबंधन को 102 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 102 -59 है एनडीए। ये रुझानों की स्थिति है ऑल ओवर इंडिया में। अन्य 43 नीचे, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती दिख रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो कि सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो स्थिति है उसमें देखिए यूपीए 38 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, यूपीए को 38 सीटों का फायदा होता दिख रहा है यूपीए को, जबकि एनडीए की अगर हम बात करें 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, अन्य 2 सीट का फायदा होता हुआ, और बीएसपी को जो 2019 में बीएसपी ने यहां पर 10 सीट हासिल की थी वो 10 की 10 बीएसपी से जाती हुई दिख रही है, यानी कि बीएसपी का खाता शून्य अभी तक के रुझानों के मुताबिक। यूपीए ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जिसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका सबसे ज्यादा है। यूपीए ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इस ग्राफिक्स में जितना ग्रीन एरिया है वो यूपीए। और एक बड़ी खबर मिल रही है, मुलायम परिवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अखिलेश यादव 63,489 वोटों से आगे है, डिंपल यादव ने भी बढ़त बनाई हुई है, और मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार के 4 कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और बड़े अंतर के साथ में आगे हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम जिनकी बात यूपीए कर रहे हैं, दरअसल अब ये INDIA गठबंधन है, और जिसको PDA नाम दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने। अक्षय यादव भी आगे चल रहे हैं। मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 5 प्रत्याशी परिवार से थे, 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। ये देखिए स्क्रीन पर धर्मेंद्र यादव जो कि निरहुआ को टक्कर देते हुए आगे चल रहे हैं, एक बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कन्नौज से वो भी आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर भी बड़ा फासला दिख रहा है। बात कर ले डिंपल यादव की, मैनपुरी से चुनाव मैदान में है और वो भी आगे चल रही हैं, और बड़ा अंतर इन्होंने भी हासिल कर लिया है। अभी तक 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और परिवार का एक और चेहरा आदित्य यादव बदायूं से, शिवपाल यादव के बेटे, और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 20,000 के लगभग वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 5 कैंडिडेट थे यादव परिवार के, जिसको लेकर मेनका सियासत भी काफी हुई, और अक्षय यादव भी आगे हैं 58,818 वोटों के साथ में। अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि ये जो 4 सीटें हैं एक तरह से कह सकते हैं कि काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और कन्नौज सीट की बात कर ले तो एक बार फिर से बीजेपी के पास से ये जो सीट है वो खसकती हुई नजर आ रही है, तो एक झटका इसे बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और जवाब साहब कुछ कह रहे थे, शायरी सुना रहे थे। जनता पार्टी ने जो इलेक्शन मोड दूसरे फेज के अंदर स्टार्ट करा, जो अनलगल बातें माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करी, मंगलसूत्र को लेकर के, भैंस को लेकर के, उसके बाद जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तमाम चीज़ें कही, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने मुद्दों को लेकर के तमाम जगह पर। और जिस तरीके से झूठ फैलाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, अब तो आज की डेट में इंटरनेट है, तमाम चीज़ें वो फौरन वेरीफाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला गया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज देश की आवाम ने ये साबित करने की कोशिश करी है कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे की बात चलेगी, नफरत की बात को भारतीय जनता पार्टी की ये देश की आवाम उखाड़ करके फेंकने जा रही है। इसके साफ संकेत आपके स्क्रीन के ऊपर और ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके अंदर नजर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि मोहब्बत की दुकानें खुलने जा रही हैं और नफरत का बाजार बंद होने जा रहा है। ये तमाम जगह पे जाकर के जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाने की कोशिश, अब आप लोग भी स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता करिएगा, आप लोग भी स्वतंत्र थे, हम पहले भी स्वतंत्र थे, कोई सैयद साहब पहले भी हम स्वतंत्र थे, कठोर से कठोर सवाल करिएगा, पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र है, आगे भी स्वतंत्र रहेंगे। सरकार जब आएगी
तो आप कठोर से कठोर प्रहार करिएगा। सही है, सरकार से खूब सवाल पूछिएगा। आज भी देश के नए प्रधानमंत्री जी से कठोर सवाल करिएगा। ठीक है, देश के गृह मंत्री नए गृह मंत्री से कठोर सवाल करिएगा। अरे सरकार अभी नहीं बना रहे, सरकार अभी भी इंडिया गठबंधन की बनती नहीं दिख रही है। हम पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र है और कल भी स्वतंत्र रहेंगे, इसकी चिंता ना करें। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, तस्वीर दिखाइए ग्राफिक्स के जरिए। अब ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये आप देख रहे हैं 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटों वाला ये राज्य है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए, जो कि अब इंडी गठबंधन है। यहाँ पर आप देखिए 37 जो सीटें हैं उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और 43 सीटों पर यानी कि 43 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है अगर हम बात कर लें। और अगर बाकी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी काफी ज्यादा आगे है, और इसके अलावा बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी में, केएल शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है 50,000 वोटों से लगभग पीछे चल रही है। ये स्मृति ईरानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यही स्थिति कई और केंद्रीय मंत्रियों की भी है। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मैच्योर्ड, कह सकते हैं एक बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने यहां पर अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उन पर वोट कास्ट किया है। इस वक्त हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट हैं रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी, मुद्दों को लेकर कौन समझाने में नाकाम और कौन कामयाब दिख रहा है? अभी आपने तुरंत ही कहा कि अभी कहीं से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही है, इसलिए फेल और पास होने का तो सवाल ही। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था, और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही, अपने आप में काफ़ी गैप है। और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। लगातार पांचवी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ी आ गई है, अनुराग ठाकुर के बयान में नरमी थोड़ी आ गई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि सरकार तो हम ही बना रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता, अब ये बात कह रहे हैं, जबकि इससे पहले दावे हो रहे थे 400 पार के। चलिए वापस हम उत्तर प्रदेश पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी रोहित जी, और यहाँ पर बात ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में तो 80 में 80 का नारा था, हालांकि दूसरी तरफ से भी 79 का नारा था, लेकिन यहाँ बात ये हो रही कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन 42 पर आगे है, और आप आधे पर, आधे से भी कम पर सिमट रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी चीज को मैच्योर्ड नहीं मानना चाहिए, घंटा भर और प्रतीक्षा कीजिए। कई सीटों पर 1,000, 2,000, 4,000 का अंतर दिख रहा है निश्चित रूप से, और ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम से अच्छा समाचार आएगा, देश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाली मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी, हमारे जैसे आम घरों में पैदा लिए हुए नौजवानों की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी,
और खेत में खुरपी चलाने वाला। लेकिन रोहित जी कहां पर आपको लग रहा है कमी रह गई? समृद्ध होगा। अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले के मुकाबले 2019 के मुकाबले सीटें घट गई हैं, कहां पर कमी आप देख रहे हैं? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। देश के आम नागरिक होने के नाते और नौजवानों के संगठन में काम करने के नाते मैं पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही से आपको कह रहा हूं कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के सम्मानित राजनेता।